राहुल बाबा झारखंड में घूम रहे थे, तो राहुल बाबा का मैंने भाषण सुना। उन्होंने कहा झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। मुझे बताओ भैया, आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो कि अपना कश्मीर भारत में जुड़ा रहे? जरा जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? माताएं बताए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड की जनता का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे राहुल बाबा, आपको इस देश की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। यही झारखंड के हजारों युवाओं ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना में वो कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान देने का काम, यही झारखंड के युवा। और ये कह रहे हैं कि कश्मीर और झारखंड का क्या लेन देन है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इटाली की भूगोल समझ में आएगी, भारत की भूगोल समझ में नहीं आएगी। मित्रों, आपने 19 के चुनाव के अंदर मोदी जी को 14 में से 12 सीटें दे दी। मोदी जी 305 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने बिल लाया और 370 और 35 को हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, राहुल बाबा के कान तक आवाज जानी चाहिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटाने का क्या मतलब है? राहुल बाबा, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो, ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हमारे लिए देश के बढ़कर कुछ नहीं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।